ये देखो इन्होंने भैरव मंदिर बंद कर दिया, जिस चीज का डर था वही हुआ है भाई, बस घुसे और गेट बंद। छोड़ तो बचकांड हरकते यात्रा स्टार्ट कर चुके हैं हम। जय माता दी, चलते हैं मजा। अतवारी यहाँ से है 7 किलोमीटर, हम नए ट्रैक से जा रहे हैं ताराकोटे मार्ग वाले से। ये आपने इनके चैनल पे ब्लॉग में भी देखा होगा, मेरे चैनल में भी नहीं देखा होगा ये रास्ता, हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं। मेरा लास्ट टाइम वाला मैं इसी यही रास्ता है, मेरा ये नया रास्ता है। जब लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग डाला था वो यही था, मेरा नया रास्ता है, तो मैं आपको सारा रास्ता दिखाऊंगा। देखते हैं, मेरे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस होगा, कैसा है कैसा नहीं होगा सब बता दिया जाएगा, मजा आने वाला है। हाँ ये तो है, चलो चलते हैं। जय माता दी, जय माता दी। पीछे व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है यार। बहुत मजा आ रहा है, अब धीरे गर्मी भी लगनी शुरू हो रही है, धीरे चलते जा रहे हैं, मजा आए जा रहा है। देखते हैं, 2 किलोमीटर चल भी रही है, आधा घंटा भी नहीं हुआ चलते हुए, सही मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय है, वेदर भी बहुत बढ़िया है। हमने चढ़ाई करना शुरू कर दिया 10 बजे, अभी मेरे ख्याल से स्पीड से चल रहे हैं ना, 1 या 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, बस यही चाहिए अपने को, और क्या चाहिए। आधा घंटा हुआ है, हाँ आधा घंटा, 2 किलोमीटर चल रहे हैं हम लोग, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो देखो यहाँ की जो रेस्ट पॉइंट है वो भी थोड़ा अपडेट से हो गए हैं, मैंने दिखा दिया होगा आपको पिछले क्लिप में, बेस्ट है। मैं लास्ट टाइम आया तब भी था ये, मेरे लास्ट ब्लॉग में सब डाला हुआ है, एक तरह से मेरा पूरा रिपीट ब्लॉग चल रहा है पता नहीं क्यों। और मेरा नया इस तरह नया है, कोई नहीं इसके वाले में ज़्यादा ध्यान देते हैं। पे लंदर पॉइंट है नए रास्ते पे, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है लंदर, 24 घंटे सबसे बढ़िया है, हर चीज़ अच्छी है, बैकग्राउंड देख सकते हैं, कैरल डिस्प्ले लगी हुई है, हर चीज़ अच्छी है, रास्ते और अच्छे चलते हैं, जैसे जैसे जो नई अपडेट्स आती है जरूर बताते रहिए, ज़रा चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भोज डाले में, कौन सा भोज डाला है भाई ये, सत्या।
हम ये मतलब भवन से 3-3.5 किलोमीटर नीचे है। हमने अपना मतलब भूख लगी थी, थोड़ा बहुत खा पी भी लिया, दाना चावल बड़ा इडली वगैरह खा लिया, अब सीधा भवन चले गए यहाँ से। वो ठंड बढ़ गई है। फाइनली भवन पहुँच गए, बहुत ही मेहनत करी है, उसके बाद पहुँचे आते आते। अब बोला बाप बोलो, मेरा 7 घंटे लगता पहुँचने में, बट ठीक है, थक गए बहुत ज़्यादा, बट सही है, मज़ा आया। जय माता दी, फाइनली मज़ा आ गया राइस, बहुत ही प्यारे दर्शन थे, सच में मज़ा आ गया। पहले हम फटाफट आके फ्रेश वेयर हुए, नहाए धोए, फिर फटाफट हम लाइन में लग गए क्योंकि खाली था, आराम से दर्शन हो गए। 5 बज चुके हैं, बस अब फ्रेश वेयर हो चुके हैं, अब थोड़ा सा तंजर वगैरह बिठाएंगे, देन खाएंगे पियेंगे और उसके बाद हम सीधे निकलते हैं यहाँ पे भैरव बाबा के लिए। चलिए चलते हैं, जय माता दी। सो गाइस, ब्रेकफास्ट कर लिया है, दर्शन भी कर लिए थे, तंजत भी बिठा ली थी, तो भैरव बाबा ही चढ़ाई कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं रोहन ओरी की घोड़े लेने हैं या पैदल जाने हैं, जो भी होगा जैसे होगा सब आपको बता दिया जाएगा। तब तक ये बने रहिए वीडियो में। तो हम सब ने भी ना घोड़े कर लिए, ये देखो इन्होंने भैरव मंदिर बंद कर दिया, जिस चीज का डर था वही हुआ है भाई, बस घुसे और गेट बंद, जिस चीज हमने घोड़े करे उसी का भी हो गया ना। अब 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, कर लेंगे। तो फिलहाल अभी तो मंदिर के दर्शन हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हम जब पहुंचे हमने घोड़े भी इसी चक्कर में कर रहे थे कि हम पहुंचे और लेट भी हो गए। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही मंजूर तक है, कोई नहीं, चलते हैं यहाँ से, घोड़े पे बैठते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 घंटे ज़्यादा मतलब नहीं बनता, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं नीचे, घोड़े पे बैठते हैं और नीचे हल्के तक ट्राई करते हैं, क्योंकि देखो ना ऐसे यहाँ के पहले लोग आए, वो भी रुके पड़े, हम भी पहुँच गए पीछे से दिया, 2.5 से 3 घंटे भर हमारे लग जाएंगे, तो अभी हम दूर से दर्शन कर लेते हैं और अगले साल आ जाएंगे, माता का बुलावा हर साल आता है। यात्रा हो चुकी है एंड, 9:30 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, पर मज़ा भी बहुत आया, 2.5 घंटे में घर वापस नीचे आ गए, नॉन स्टॉप आए बिना रुके। तो चलिए होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, बाकी जो भी होगा जैसे होगा भी आपको बताया था, यहाँ से फोटो कर रहे हैं ताकि हम होटल जा सके, देखते हैं जो भी होगा आपको बताते रहेंगे टाइम का। गाइस सो फाइनली हम फ्रेशअप हो चुके हैं, उठ भी रहे, हमने अराउंड 6 घंटे की नींद ले ली, तो सारे एक्टिव हैं, चलिए चलते हैं बाहर, खाना वाना खाते हैं, भूख लग रही है बहुत ही ज्यादा, उसके बाद मार्केट एक्सप्लोर भी करते हैं, जो भी होगा जैसे होगा सब आपको बता दिया जाएगा, चलिए चलते हैं। अच्छा जी, 5 घंटे छोड़ दो बचकान हरकते मार्केट में रश इतना बड़ा ना इस टाइम पे, बहुत रश है, पता नहीं जब हम कल आए थे तो बहुत खाली था, आज पता नहीं क्यों रश है। आपको अगर रेस्टोरेंट दिखाया था कल जो हम आपको बता रहे थे ना, हाँ मनोरंजन, हाँ, मनोरंजन दिखाते आपको। राहुल भैया जैसे आपको तो बताया था हमने मार्केट एक्सप्लोर कर लिया, डिनर भी कर लिया है, बहुत ज्यादा थक चुके हैं, बस रजाई में घुस भी रहे हैं, रोहन तो इवन सो भी गया है, ध्रुव भी लंबा होने वाला है, तो चलिए फटाफट से लेटते हैं, अब सोते हैं, जो भी होगा बाकी आपको कल बता दिया जाएगा। तब तक के लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करता हूँ एंड, बाकी जो भी होता है जैसे होता सब आपको बता दिया जाएगा, फिलहाल के लिए गुड नाइट। We'll be right back.